पटना में और आज हम मौजूद है पीएफसी में। जी हाँ, पीएफसी शकुंतला मार्केट भूतनाथ रोड में लोकेटेड है और पीएफसी की तो आप लोग स्पेशलिटी जानते ही हैं, वहाँ बर्गर्स, पिज्जाज, चिकन फ्राई या फिर नॉर्मल चिकन भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ आज हम पीएफसी के 11th आउटलेट पे आ चुके हैं और इस रेस्टोरेंट को आज हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसका एम्बियंस ऑफ फूड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बस एक बार आकर के देखिए, मजा आ जाएगा। आते हैं आप पीएफसी में? हम लास्ट में से 2 years से हम आ रहे हैं। अच्छा, 2 साल से आ रहे हैं। पहले मैं बंदर बगीचा में एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, ओके ओके। और बंदर बगीचा में मतलब यूज्ड टू हूं मैं। अच्छा, और यहाँ पे कब से आया? मैं फर्स्ट टाइम आया, बगल में सलून है उसका, अच्छा, वहाँ आया था। अच्छा, ओके। मैंने देखा ये पीएफसी बंदर बगीचा वाला है, यहाँ के स्टाफ भी जो है बिल्कुल जान पहचान। अच्छा अच्छा, उनकी वजह से मैं, अच्छा, उनकी जान पहचान से उनके कॉन्टेक्ट में बताया। अच्छा, अभी ओपन हुआ है। अच्छा, तो कैसा लगा एम्बियंस आपको इतने पीएफसी में खा चुके, इसका एम्बियंस कैसा लगा आपको? मेरे लिए मैं आता रहता हूँ तो यहाँ का भी, यहाँ तो खास करके ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ का स्पेस अच्छा है, अच्छा स्पेस अच्छा है, स्पेस आपका ऑफ कोर्स अच्छा, इंटीरियर भी अच्छा है, सिंपल डिसेंट इंटीरियर। ओके, इंटीरियर अच्छा लगा आपको? माहौल अच्छा है। अच्छा, ओके। और फूड क्वालिटी कैसा लगा? फूड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें लगता है केएफसी से ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, केएफसी से ज्यादा पीएफसी का अच्छा लगा मुझे। और रेंज भी जो है ना, प्राइस रेट जो है वो बिल्कुल कम्फर्टेबल, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल प्राइस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पहले मैंने खाना खा चुका है तो खाना मुझे काफी ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा क्रिस्पी लगा। क्रिस्पी इसलिए क्योंकि आज मैं चिकन खाने का मौका मिला। जो फूड आइटम्स आज मुझे मिले थे पीएफसी में, उसमें नंबर वन मुझे मिला था चॉकलेट ब्राउनी शेक, जिसका प्राइस है ₹190। तो चॉकलेट ब्राउनी शेक के बारे में क्या बोलूँ, चॉकलेट ब्राउनी शेक बहुत ज्यादा वाले के से थिक था, उसमें एक ओरियो का बिस्किट था जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा स्वीट था, काफी ज्यादा वाटर कैन से टेस्टी लगा मुझे और मुझे लगता है कि बेस्ट है यहाँ का और आपको एक बार मस्ट ट्राई करना चाहिए वाला। नंबर सेकंड आइटम जो मुझे यहाँ मिला था वो था चिकन लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप 1 piece मुझे मिला था, इसका प्राइस था ₹70। ये पीएफसी स्पेशल में आता है। तो चिकन लॉलीपॉप की अगर मैं बात करूँ तो यदि आप सॉस के साथ इसको डिप करके खाते हैं तो आपको काफी ज्यादा क्रिस्पी लगेगा और काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर से फिलिंग्स भी ऊपर से डाल सकते हैं तो उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थर्ड आइटम जो मुझे मिला था पिज्जा में, क्योंकि यहाँ पिज्जा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो क्रिस्पी चिकन पिज्जा जिसका प्राइस है ₹169। तो क्रिस्पी चिकन पिज्जा के बारे में क्या बोलूँ, जो आप बाकी रेस्टोरेंट्स में खाते हो, मेरे हिसाब से मैंने अब तक जितना पिज्जा खाया है मुझे यहाँ का बेस्ट लगा है। काफी ज्यादा फिलिंग्स है इसमें और यदि आप सॉस ऊपर से यदि आप डालते हैं इसके तो और टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। 6 piece थे बस, बहुत अच्छा वाटर डेकोरेशन था और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड था, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
और बर्गर्स में मुझे मिला था वो था चिकन चीज बर्गर। तो चिकन चीज बर्गर का प्राइस जस्ट ₹19 है। तो आज समझ सकते हैं कितने सारे आइटम्स के काफी अफोर्डेबल है जो इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ दिस फूड वॉज। सारे जितने आइटम है सारे व्हाट आई कैन से अफोर्डेबल रेट में मौजूद है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ले रही था, बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में। मुझे लग रहा था वाकई मैं बर्गर खा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। चिकन चीज बर्गर भी मुझे मैं ये कहूँगा कि सेकंड स्पेशल जो व्हाट आई कैन से ब्राउनी शेक के बाद मुझे सबसे अच्छा चिकन चीज बर्गर ही लगा। ये आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और डेजर्ट में मुझे ये लगा ब्राउनी विद आइसक्रीम, दैट प्राइस वाज ₹99। ये डेजर्ट आइटम था। तो ये दो व्हाट आई कैन से दो टाइप का था, एक व्हाइट में था और एक ब्लैक बॉटल, और काफ़ी ज़्यादा इसमें लेयर था, चॉकलेटी था बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जस्ट ₹99। तो कुल मिला के ये कहो PFC जो भूतनाथ रोड में है तो एक ऐसा आउटलेट है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया PFC का। तो मुझे नहीं उम्मीद था कि PFC का ऐसा एम्बियंस होगा। जो मुझे यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बाकी एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, कस्टमर रिव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा, और मुझे फूड की दो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। फूड का जो प्राइसिंग था वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था, और फूड का जो क्वालिटी था वो भी बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के एक दोस्तों को यदि आप कंकड़बाग में रहते हैं, भूतनाथ रोड में रहते हैं, या फिर जहाँ रहते हैं, तो आपको PFC के इस आउटलेट में जरूर आना चाहिए। खाना टेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच।